महानगर के बेतिहाता स्थित भगत सिंह चौराहे पर मंगलवार की शाम चौरी चौरा कांड के महानायक भगवान अहिर यादव को हिंदू चेतना मंच व आजाद हिंद चेतना मंच के सदस्यों ने दीप जलाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। आजाद हिंद चेतना मंच व हिंदू चेतना मंच के सदस्यों ने भगत सिंह की प्रतिमा की साफ सफाई करने के पश्चात भगवान अहिर का प्रतीकात्मक फोटो चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। उसके पश्चात दीप जलाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया और मंगलवार को भगत सिंह के क्रांतिकारी रूप का जन्मदिन माल्यार्पण करके मनाया। इस दौरान कंचन हिंदू, ऋतु सिंह हिंदू, सीमा हिंदू, सुधीर कुमार दुबे, नर्मदा श्रीवास्तव, देवनाथ आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, आज के दिन ही चौरी चौरा जब कांड हुआ था उसके महानायक भगवान अहिर थे। आज के दिन अंग्रेजों ने उनकी हत्या कर दी और उसी से आक्रोशित होकर वहाँ की जनता उद्वेलित हुई और चौरी चौरा का थाना फूंक दिया। और आज के ही दिन जब महात्मा गांधी ने ये कहा कि अहिंसा रूपी ये रहेगा, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, वहीं से देश को आज़ादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये ऐसा संभव नहीं, और उन्होंने एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। और आज के ही दिन एक नए जीवन की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया, उन्होंने सेना बनाई, हमारे देश को आज़ादी में उनकी महती भूमिका है। आज के दिन सबसे विश्व का सबसे लंबा तिरंगा चेतना युवा मंच जो है चेतना मंच द्वारा ये पूरी हिंदू चेतना मंच द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। सभी शहीदों को विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो, उन्हें सम्मान मिले, इसके लिए आज का दिन ऐसा है कि पूरी दुनिया में संभवतः हमें नहीं लगता कि कोई भगवान अहिर को याद करता होगा। और इससे पता चल जाएगा कि हमारे देश में कौन कौन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और देश को आज़ाद करने में अपने को शहीद हुए। ऐसे मैं हिंदू चेतना मंच विश्व का सबसे लंबा तिरंगा और सभी गणमान्य लोगों का आभार भी व्यक्त करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे बढ़ते रहो, विश्व आपके इस कदम का इंतजार कर रहा है और हमारे सैनिकों का पूरी याद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी आभार कि अपने चैनल के माध्यम से इसे आप अन्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोग जानेंगे कि हाँ ये भगवान अहिर कौन थे और उन्होंने क्या बलिदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।